गरियाबंद के नवनियुक्त जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने जिला कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरियाबंद बड़ा क्षेत्र है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजना पहुंचाना और लोगों को लाभ देना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उड़ीसा से आने वाली अवैध धान पर रोक लगाई जाएगी। वहीं जिलाधीश ने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया है। साथ ही नक्सली समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गरियाबंद जैसा कि मालूम है आपको पांच ब्लॉक का है, जिसमें से दो ट्राइबल बहुल जिला है। तो मेरी तो सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये होगी कि जो शासन की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक सभी लोगों तक पहुंचे और उनका पर्याप्त लाभ सभी लोगों को मिले। जो भी जिसको ज़रूरत है उस तक उस योजना को पहुँचाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सर, गरियाबंद वन आच्छादित है और इस क्षेत्र में नक्सल प्रभावित भी है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या देखेंगे सर? काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है ये। अभी तो मैंने आज ज्वाइन किया है, अब एक बार पूरा रिव्यू करने के बाद ही मैं कुछ इस बारे में बता पाऊंगा आपको, जिले की स्थिति का, जिले के जो आपका नक्सलाइट की प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, तो सब चीज़ों को एक बार मैं रिव्यू कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे इस बारे में।